अगर सच बोलने से धरती हिलती हो तो 100 बार हिल जाए, क्योंकि सच बोलने से आप में पुरुषार्थ पैदा होगा, आपके अंदर सम्मान का भाव पैदा होगा, आप अपने ऊपर गर्व की भूमि होगी आपके ऊपर। याद कीजिए जनवरी 1948 कलकत्ता का मैदान, सरदार पटेल की 4 लाइनें कोई मुझे बता सके? क्या सरदार पटेल ने साफ साफ नहीं बोला था? उन्होंने मुसलमानों को संबोधित होते थे साफ साफ नहीं कहा था कि तुमने अपना अलग मुल्क मांगा, हमने दे दिया, अब तुम यहां पड़े हुए हो, और पड़े होने के बाद भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि नहीं भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी बातें ना करो, हमने तुम्हारे पाकिस्तान में कोई दखल नहीं दिया, तुमको जो देना था दे दिया, अब तुम जैसा दिल चाहे वैसे चलाओ, लेकिन भारत पाकिस्तान भाई भाई हैं, ऐसी बातें ना करो। लेकिन हम आज भी भाई 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 भाईचारा भाईचारा भाईचारा, आज तक 70 साल में समझ नहीं पाए कि भाई कौन है और चारा कौन है, और यह सिलसिला जारी है, आज भी जारी है। सरदार साहब को सच्ची सिद्धांजलि यही होगी कि कलकत्ता में जनवरी 1948 में जो पूरी स्पीच दी है, इस देश का एक एक बच्चा बच्चा सुने और 10 लोगों को बताए कि सरदार साहब के भाव क्या थे। इसी तरीके से एक और भारत मां का पुत्र, जिसके बारे में हमारे यहां चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम उन चर्चाओं से, उन लोगों का नाम लेने से शर्माते हैं, क्योंकि हमने जिन दलालों का साथ दिया है उन दलालों का कद छोटा हो जाता है। एक और महान पुत्र था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उनके बारे में जितना झूठ बोला गया उतना किसी नेता के बारे में झूठ नहीं बोला गया। मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूं और सरदार साहब से कनेक्टेड है। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 132 के ऊपर साफ साफ लिखा, क्योंकि वो शर्माते नहीं थे, वो पहले आदमी है जो कहते थे कि इस महात्मा को मैं महात्मा नहीं मानता, है इडियट मैन है ये, कभी उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, बीबीसी में उनका इंटरव्यू है, आप सुन लीजिए। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में वो साफ साफ लिखते हैं कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ था। यही शब्द है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल रहा मैं, भारत का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ था। जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है यह विभाजन अधूरा है, यह कहने की हिम्मत है उनमें? हमने बड़े बड़े हिंदू नेताओं को देखा, कहने की हिम्मत आज भी नहीं है, इसलिए सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। वही अंबेडकर हैं जब शेख अब्दुल्ला नाम का एक गुंडा कश्मीर से चल के आया नेहरू जी के पास और उसने कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए, तो फूल वाले चाचा ऐसे मामलों में दूसरों को फंसा के भाग जाते थे। उन्होंने कहा मुझसे बात मत करो, अंबेडकर से बात करो। अंबेडकर ने उनकी पूरी बात सुनी, हमें यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। अंबेडकर ने कहा बदले में भारत राष्ट्र को क्या देना है? वो गलत आदमी के सामने फंस गए थे शेख अब्दुल्ला। उन्होंने कहा हम भारत को कुछ नहीं दे सकते। बोले 370 दे करके मैं भारत के साथ पाप नहीं कर सकता, ये कम बड़ी बात है। लेकिन फिर भी फूल वाले चाचा के विशेष रिश्ते थे, उन रिश्तों को निभाना था। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी और कहा कि 370 का मामला है, आपको इसको पास कराना है। सरदार पटेल की क्वालिटी ये थी, या तो वो आंखों से बात करते थे या चुप रह के बात करते थे। सरदार पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आंख करके कहा हो जाएगा, और उनको लगा कि मैं इतना चतुर आदमी हूं कि सरदार को फंसा के विदेश चले गए। सरदार पटेल ने कहा पार्लियामेंट में कि पंडित जी चाहते हैं कि धारा 370 दी जाए, और वो बताते हैं कि इसमें कोई विदेशी मामला भी है, इसलिए मैं आज की सत्ताधारियों से, या वो नेता जो राजनीति में है, जिस दिन भी वो ये सोच लेंगे कि हम आज के लिए नहीं जिएंगे,
हम 1000 साल के लिए जिएंगे, उस दिन राष्ट्र ठीक हो जाएगा। हमको सब कुछ आज ही चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने पुत्र के लिए चाहिए, अपनी बेटी के लिए चाहिए। 4 कमरों के मकान को 12 कमरे करने हैं, 3 कारों को 15 कारें करनी है, विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, और हम राष्ट्रवाद की बात भी करेंगे, ये नहीं हो सकता। सरदार पटेल ने 370 पे बहस कराई और लगातार वो ये कहते रहे कि पंडित जी चाहते हैं इसे पास कर दीजिए। कुल मिला के वो पास हो गई, और पास होने के बाद जिन लोगों में उसको लेकर के विरोध था उनसे भी बात की, और बार बार वो ये कहते रहे कि आप लोगों को जो गुस्सा है, जो विरोध है, मैं आपकी बात भी समझता हूं, लेकिन हमने इसको पास कर दिया है क्योंकि पंडित जी चाहते थे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का जो गुस्सा है, जो विरोध है, उसको देखते हुए ऐसा करते हैं कि इस आर्टिकल 370 के नीचे लिख देते हैं टेम्परेरी। लोग उन्हें विजनरी कहते हैं। इस विजनरी आदमी को नहीं पता था 2014 में 2 गुजरात से आएंगे और परमानेंटली से हटा देंगे, इसलिए इसको विजनरी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने से और जो अपनी उसे छोड़कर दूसरी के पीछे भागने से विजनरी नहीं होते, इसलिए एक जघन्य अपराध नहीं, बहुत से जघन्य अपराध किए हैं। आप अगर आज के युवा के सामने बिना किसी लाग लपेट के अपना नुकसान, मेरा उसका नुकसान ये सोच करके तथ्यों को रख देंगे, ये आज का युवा आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे ज्यादा तेज है। ये मैगी खाता है जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, ये लंबी लंबी कहानियां, बड़े बड़े व्याख्यान नहीं सुनता, इसको अपने मतलब की बात समझ में आती सही जगह बटन दबा देता है, इतना ही करता है। आप सोचिए कि ये सब तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? नेहरू जी ने एक दूसरा एजेंडा पकड़ा दिया और सरदार पटेल से कहा कि ये जो भीख में मिली हुई, ट्रांसफर ऑफ पावर में मिली हुई हमें आजादी दी है, जिसकी 15 अगस्त 1947 की डेट किसी आर्काइव में नहीं मिलती, ये कहां लिखी थी ये किसी को पता नहीं है। जो अंग्रेजों का ओरिजिनल प्लान था वो जून 1948 का था, किन कारणों से ये हुआ किसी को पता नहीं है। और उनको लगा कि भाई अनाउंस कर दो, और कहा, और बार बार ये हमसे कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, इसलिए शब्द का बड़ा महत्व होता है। आजादी हमें मिली, अभी तक तो हम यही सुनते थे आजादी मिली, आजादी मिली, लेकिन कैसे कैसे नेताओं की ब्रांडिंग होती है। और वो समाज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किसी आचरण पर सवाल उठाता है, माता सीता के किसी आचरण पर सवाल उठा लेता है, वो समाज ये नहीं पूछता कि नेता कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़े हैं क्या, इन पे सवाल नहीं उठ सकता, इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो पहले तो कहा कि आजादी मिली हमने ली नहीं, हमें किसी ने भीख में दे दी, फिर कुछ गाने बना के ब्रांडिंग हुई और कहा गया साबरमती के बिना खड़क बिना ताल। अब इससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? आजाद हिंद फौज के 60,000 सिपाही थे, 26,000 मारे गए, हजारों लोगों ने फांसी चढ़ी, जलियांवाला बाग से लेके कितने लोग मारे गए, लेकिन नस्ल दर नस्ल ये झूठ बोला गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। और साबरमती के आश्रम तूने कमाल कर दिया, कमाल क्या किया ये नहीं पता, कमाल में तो बकरी थी। एक भजन जो मेरी आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था, उस भजन को भी अपनी स्वार्थी राजनीति के तहत अपनी वक्ती जरूरत के लिए आपने उस भजन के अंदर खामखा अल्लाह को डाल दिया, अल्लाह आना भी नहीं चाहता था, खामखा डाल दिया और हमको गलत भजन पढ़ा दिया।
तो लगातार यह सिलसिला जारी है। सच लोग जो बहादुर लोग थे उनके ब्रांडिंग ऐसी की गई कि सरदार पटेल तो कम्युनल आदमी थे, एंटी मुस्लिम थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पूरे चरित्र को छुपा दो, सरदार पटेल के चरित्र को छुपा दो, और कुछ बौने समझते हैं कि सबको छुपाने से उनका कद बड़ा हो जाता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए 10, 20, 50 साल के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये बौने बड़े थे, समाज उनकी कब्र खोद के चौराहे पे गाड़ देता है। यह भी ध्यान रखिए, यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भारत देश सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। मैं सरकार में नहीं हूं, न सरकार से मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना है। सरकार तो बहुत बड़ी है, उसके दो कैप्टन है, मैंने कभी उनको सामने से देखा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं जीवन में, सत्ता के किसी गलियारे तक पहुंचने की कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन हम अपने हीरोज को पहचान करके अगर तारीफ में शब्द दो बोलने हो तो भी ये सोचते हैं कि तभी बोलेंगे जब टिकट मिलने वाली होगी। हम इतने ग्रस्त लोग हैं,